नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल। आज आपसे जो चर्चा का विषय रहेगा वो है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं, ये जो आपसे बातचीत होगी ये पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में। तो जब हम बात करते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो इसमें बहुत सारे आयाम हमारे दिमाग में आने लगते हैं। इससे पहले कि हम बच्चे सीखते कैसे हैं और पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कैसे सीखते हैं, तो उससे पूर्व इसकी चर्चा करना भी आवश्यक है कि आखिर पर्यावरण होता क्या है या पर्यावरण अध्ययन क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन में परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में ये दोनों घटक ही मिलकर संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इन्हीं परिवेश में बच्चे सीखते कैसे हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम मानव और उसके द्वारा निर्मित समाज और सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं और प्रकृति तथा उसकी कार्यप्रणाली के पीछे के नियमों का भी अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण में हम बच्चों को जो भी बताएं इन चीज़ों को भी उसमें संदर्भित करें। तो इसी संदर्भ में हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी कि बच्चे इस संदर्भ में सीखते कैसे हैं। जब बालक किसी भी स्थान में या परिवेश में रहता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो वहाँ के नियमों को समझे और उन्हीं नियमों के अनुसार अपने कार्य को करे, अपनी बातों को करे और अपना एक अंतःक्रिया करे, जिससे कि वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, उस समुदाय का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ये संभव तभी होता है जब हम उसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों को अर्जित करने के लिए और उसको सीखने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं और उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चे को सिखाया कैसे जाए या बच्चे सीखते कैसे हैं। जब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं, जब हम प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो आयु वर्ग आती है, 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो सीखते कैसे हैं, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो बच्चे सीखते कैसे हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमें पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक विचारों को समझने में सहायक होगा। जब भी हम सीखने की बात करते हैं, तो जो बच्चों का सीखना होता है और बड़ों का सीखना होता है, दोनों में अंतर पाया जाता है। दोनों में अंतर क्या होता है, भिन्नता इसकी दिखा सकते हैं कि जब छोटे बच्चे सीखते हैं तो वो अनौपचारिक रूप से ज़्यादा सीखते हैं, और जो बड़े सीखते हैं वो प्रायः ज्ञानात्मक प्रवृत्ति से सीखते हैं, जिसमें अवधारणाओं, नियमों, समस्याओं के समाधान तथा विषय वस्तु पर प्रवीणता पर जोर दिया जाता है। और जो बड़े लोग जो सीखते हैं उनका अधिगम प्रायः आवश्यकता पर निर्भर करता है, उन्हें जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो उसको सीखते हैं, जबकि बालकों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो आवश्यकता अनुसार नहीं सीखते, वो अनौपचारिक रूप से चीज़ों को सीखते जाते हैं। बड़े लोगों में परिस्थितियाँ उनके जो भी इर्द गिर्द होती हैं, पर्यावरण की शक्तियों के साथ संबंध बनाकर भी ज्ञान का निर्माण करती हैं, तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनके सीखने और बड़ों के सीखने में बहुत अंतर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार में जो धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही उसका सीखना होता है। तो चलिए बात करते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं। कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। उसमें से पहला है अनुभव। अनुभव के द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वो दिन प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अनुभव करता है जो हो सकता है उसके जीवन में पहली बार घटित हुई हों। तो इस तरह से छोटे छोटे अनुभवों से बच्चा सीखता है। उदाहरण स्वरूप, बच्चा अगर किसी सांप को देख ले या
किसी जानवर को देखे तो पहले उसे भय नहीं लगता है, लेकिन जब वो उसको छूता है और उसको कोई पीड़ा होती है या उसको कुछ भय का अनुभव होता है, तो उससे वो सीखता है कि ये कोई पशु या कोई जानवर इस प्रकार का है जो कि हमें हानि पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से वो अनुभव से चीज़ों को सीख लेता है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है अनुकरण। प्रायः बच्चे जो भाषा सीखते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, और जब हम इसको पर्यावरण के संदर्भ में बात करें तो जो कुछ वो अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं उसको अनुकरण के द्वारा ही वो सीखते हैं। खास तौर से अगर बच्चे कई बार नकल उतारने का प्रयास करते हैं कि चिड़िया कैसे बोलती है, कुत्ता कैसे भौं-भौं करता है, बिल्ली कैसे म्याऊं करती है, तो ये सारी चीज़ें वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है कि जब वो पर्यावरण में या परिवेश में देखता है कि ये जानवर या ये पशु ये पक्षी कैसे बोल रहे हैं कैसे, तो उन चीज़ों को अनुकरण करके वो सीख जाता है। इसके पश्चात तीसरा बिंदु आता है अनुकूलन। अनुकूलन के द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे जब वो प्रयास करता है, इधर उधर जाता है, नए नए माहौल में जाता है, तो वहाँ पे वो उस सामंजस्य को प्रयास करता है, उस परिस्थिति से अपने को सामंजस्य स्थापित करने का। तो यही अनुकूलन उसको भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। फिर अगला बिंदु है अवलोकन। बच्चा अवलोकन के द्वारा भी बहुत कुछ सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि बच्चे को पर्यावरण के विषय में ज्ञान देना है तो उसको अवलोकन का मौका देना चाहिए, उसको इस तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए। यदि हम उनको सिर्फ शाब्दिक रूप में बता देंगे कि पानी में लहरें इस प्रकार से होती हैं या वर्षा इस प्रकार से होती है या जंगल में पशु पक्षी ऐसे रहते हैं, तो वो कभी भी सीख अच्छे से सीख नहीं सकता है। अगर हम बच्चे को उसी स्थान पर ले जाएं तो अवलोकन करके वो चीज़ों को, जैसे कि अगर हम किसी जंगल में नहीं ले जा सकते हैं तो बच्चों को यदि हम किसी चिड़ियाघर में ले जाएं जहाँ कि वो देख सकता है कि हिरन कैसे कुदाली मारता है, हिरन कैसे दौड़ता है, चिड़िया कैसे चहचहाती हैं, बंदर कैसे छलांग मारता है, तो इस तरह के अवलोकन से वो बहुत सारी चीज़ों को, प्राकृतिक दृश्यों को सीख सकता है। इसके अतिरिक्त अभिप्रेरणा यानी बच्चे को समय समय पर प्रेरित करते रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा सही कार्य कर रहा है, सही चीज़ों को अपने में ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। ये भी बच्चे के सीखने में बहुत सहायक होती हैं। अब अगर हम अगले बिंदु पर चर्चा करें कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया। कोई भी चीज़ें बच्चे, अगर उनको कोई ऐसी क्रियाएं करवाई जाएं या स्वयं भी कई बार बच्चे करते हैं, मान लीजिए बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, कोई किसी मिट्टी से घर बनाना सीख रहे हैं या मिट्टी से ही वो छोटे छोटे आकार देना चाह रहे हैं, तो उस क्रिया और प्रतिक्रिया कि उसके जो रिस्पांस में क्या बच्चे को कहा गया, क्या उसको प्रशंसा मिली, तो इस तरह की चीज़ों से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। कई बार होता है कि हम निर्देश देकर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। निर्देश देकर यानी कि बच्चों को अगर हम उचित प्रकार से अनुदेशन दें कि इस प्रकार से अगर आप इस कार्य को करें तो आप बढ़िया कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कि बच्चा अगर मिट्टी को कोई आकार दे रहा है, तो हम अगर उसको थोड़ा सा निर्देश दे दें कि अगर आप इस आकार में इस तरह की गोलाई दे दें तो आप इस वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, तो बच्चा सीखता है। इसी प्रकार से जब हम उसको किसी उद्यान में लेके जाते हैं और उसको निर्देश देते हैं कि तुम इसको, इस पौधे को छुओगे तो ये तुमको हानि पहुंचा सकता है, या इस पौधे की टहनी को अगर तोड़ते हो तो पौधे को भी दर्द हो सकता है, तो इस तरह के निर्देश देने से बच्चा सीखता है कि हाँ, क्या कार्य हमें करने हैं और कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। इसके अतिरिक्त तत्परता से भी बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे, वो कहा भी जाता है कि जिस चीज़ में रुचि होती है बच्चा उस कार्य को करने के लिए तत्पर भी हो जाता है। तो बच्चों में इस तरह का एक
परिवेश, एक पर्यावरण बनाना चाहिए जिससे कि वो तत्पर हो उस कार्य को करने के लिए, उन चीजों को सीखने के लिए। इसीलिए कक्षा में कहा भी जाता है कि बच्चा तभी तत्पर होगा जब आप उसको एक अच्छा, एक अनुकूल पर्यावरण प्रदान करेंगे। अगर प्रतिकूल पर्यावरण होगा तो बच्चा कभी भी तत्परता से चीजों को सीख नहीं पाएगा। इसके अलावा अभ्यास के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चा सिर्फ अभ्यास के द्वारा ही सीख सकता है। और जब हम पर्यावरण के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो अभ्यास यानी कि छोटी छोटी बातों के बार बार अभ्यास कराना। यदि हमें बच्चे को ये सिखाना है कि कैसे जल का संरक्षण किया जाए, कैसे पानी को किफायत से प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए हमें बच्चे को बार बार अभ्यास कराने की प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए। कि उसको प्रतिदिन एक कार्य दे दिया कि जो घर में बचा हुआ पानी है गमलों में डालना, बचे हुए पानी का कोई सदुपयोग करना, कोई चिड़िया के लिए, कोई पक्षी अगर आपके छत में आता है तो किस प्रकार से एक प्याली में उसके लिए पानी रखना, उसकी आवश्यकता को पूरा करना। तो इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा भी बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। इसके अलावा कई बार बच्चे कुछ चीज़ों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये वर्तमान युग में, आधुनिक युग में बच्चे मोबाइल से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, और बच्चे जिन चीज़ों से प्रभावित होते हैं उनके द्वारा वो सीखते भी बहुत जल्दी हैं। तो बच्चों को अगर मोबाइल जैसे उपकरण से यदि बहुत प्रभावित हैं तो बच्चों को उसी के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। जैसे कि हम पर्यावरण संबंधी कोई बच्चों को गाना सिखाना चाहें, कविता सिखाना चाहें, या पर्यावरण के बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्यों को दिखाना चाहें तो मोबाइल का प्रयोग करवाएं बच्चों को, क्योंकि इन चीज़ों, जिन चीज़ों से बच्चे प्रभावित होते हैं उनसे सीखते भी जल्दी हैं। इसके अतिरिक्त सीखने की इच्छा, बालकों में कोई भी चीज़ को सीखने की एक इच्छा जागृत करनी चाहिए। जब तक आप इच्छा बच्चे में पैदा नहीं करेंगे बच्चा सीखता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा हर कक्षा में इस तरह के बालक होते हैं, कुछ बहुत ही धीरे सीखने वाले होते हैं, कुछ प्रतिभावान होते हैं, कुछ सामान्य बालक होते हैं। तो हर तरह के बालकों में आवश्यक नहीं है कि सीखने की इच्छा ही हो, लेकिन सभी को, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है एक शिक्षक होने के नाते कि बच्चों में सीखने की इच्छा जागृत करें, वो चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, तभी वो अच्छा सीख सकता है। इसके अतिरिक्त प्रयत्न एवं भूल के द्वारा भी बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि बच्चों को हम पार्कों में, उद्यानों में ले जाएं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे की प्रयत्न और भूल के द्वारा सीख सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को हम ये नहीं सिखाते हैं कि हमें पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए, या पुष्पों को खराब नहीं करना चाहिए, या आवश्यकता न हो तो हमें पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए। तो ये जो प्रयत्न और भूल, यानी बच्चे को अगर हम सिखाना चाहते हैं तो बच्चे को कोई भी उद्यान या बगीचे में ले जाकर हम एक स्थान पर बिठाकर उसको कोई प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं। वो कार्य सामूहिक भी हो सकता है और वो बच्चा अपना अकेले भी कर सकता है। तो बच्चा अपने आप प्रयास करेगा, कुछ गलतियां करेगा और सीखेगा कि हाँ क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। तो ये प्रयत्न एवं भूल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी बच्चे के सीखने के लिए। अब इसके अतिरिक्त जब हम पर्यावरण के संदर्भ में बात करते हैं तो बालक का सीखना कैसे होता है। अभी तक तो हमने बात की बच्चा सीखता कैसे है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे को सिखाना कैसे चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि बालक के पूर्व अनुभव। जब भी बालक समाज के संपर्क में आता है, या विद्यालय में आता है, या शिक्षक के संपर्क में आता है, तो वो कोरी स्लेट की तरह नहीं आता है। उसके मस्तिष्क में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसके पूर्व अनुभव होते हैं। उदाहरण के तौर पर कि घर में ही उसने सीखा है कि कौन सा पौधा ऐसा है जिसकी हम जड़ें खाते हैं, कौन सा ऐसा पौधा है जिसके हम ऊपर के भाग को खाते हैं,
या माँ ने आज घर में सब्जी में क्या बनाया, तो इसका उपयोग हम प्राकृतिक रूप से कैसे करते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे अनुभव हैं जो कि बच्चा लेके आता है। तो पूर्व अनुभवों के द्वारा भी शिक्षक बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकता है कि जो कुछ वो सीख के आया है उसी में ही नवीन ज्ञान को जोड़ना और उसको सिखाना। इसके बाद जो कुछ पूर्व ज्ञान बच्चा लेके आता है, हो सकता है उस बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो कहीं कुछ अधूरा हो या ठीक ना हो, तो उस पूर्व ज्ञान को पुनर्व्यवस्थीकरण करना, उसको पुनः उस ज्ञान को एक सही ढंग से उसके सामने प्रस्तुत करना, ये भी शिक्षक का कर्तव्य होता है। तभी बच्चा चीज़ों को अच्छी प्रकार से सीख सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी भ्रांतियाँ भी बच्चे के मस्तिष्क में होती हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि आसमान में बिजली चमकती है तो बच्चे के दिमाग में आता है कि ईश्वर फोटो खींच रहा है। तो ये भ्रांति क्यों आती है? क्योंकि कभी कोई उसके साथ इस तरह का संप्रेषण कर देता है कि आसमान में बिजली चमकी और भगवान ने फोटो खींची। तो इस तरह की जो छोटी छोटी भ्रांतियाँ होती हैं वो बच्चे के मस्तिष्क से ज़रूर हटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत धारणाएं उसके मस्तिष्क से नहीं हटाएंगे तो वो उसके अधिगम और उसके सीखने को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से जो बच्चे के पूर्व अनुमान होते हैं उनका सत्यापन करना भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि बच्चा कहीं चिड़ियाघर में जाता है, पशु पक्षी देखता है, या उसको जंगल में जाने का कभी अवसर मिलता है तो वो कुछ चीज़ों के अनुमान लगा लेता है। कई बार उसको ये नहीं पता होता है कि सूरज कहाँ से उगता है, कहाँ डूबता है, लेकिन वो सिर्फ अनुमान लगा लेता है कि वो समुद्र से निकला और समुद्र में डूब गया। तो इस तरह के जो संप्रत्यय होते हैं बच्चों को स्पष्ट करना टीचर का कर्तव्य है, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि किस प्रकार से कि जब बच्चा को ये अनुमान उसने लगाया कि नहीं उसने देखा था कि जो सूरज था वो समुद्र में डूबा और समुद्र से ही निकला, तो उसको सही बात को बताना चाहिए कि नहीं, सूरज कैसे उगता है और कहाँ डूबता है, कैसे इस ये प्रक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त जो कुछ बच्चा कक्षा में देखता है, जो उसके विद्यालय की दुनिया होती है, उसको उससे बाहर लेकर जाना भी बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे से सिर्फ चर्चा करके या एक दूसरे बालकों से चर्चा करके ही कुछ ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, या विद्यालय में ही इस तरह का एक माहौल होता है कि हम सोचते हैं यही जंगल है, यही पेड़ पौधे हैं, यही पशु पक्षी होते हैं, लेकिन नहीं, विद्यालयी दुनिया से बाहर निकल कर भी बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए बच्चों को भ्रमण पर ले जाना बहुत आवश्यक है। और भ्रमण के लिए जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उनको प्रारंभ करना चाहिए छोटे छोटे पार्कों में ले जाने से, उसके बाद थोड़े बड़े उद्यानों में ले जाने से, और अवसर अगर मिले तो उनको इस प्रकार के जहाँ प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक हो इस तरह के पर्यावरण में ले जाने से। तो इससे क्या होता है कि जो विद्यालयी दुनिया होती है और जो सच में दुनिया होती है उससे वो आपस में एक सामंजस्य कर पाते हैं। इसी प्रकार से सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा क्रियात्मक ज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ये उम्र इस प्रकार की होती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा औपचारिक रूप से अगर हम सिखाएंगे तो बच्चा शायद बहुत अच्छे से सीख नहीं पाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चे को करके सीखना, अगर उसको वो देखता है कि एक घड़ा, उसको हमने सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान दिया कि मिट्टी से घड़ा बनता है और ये प्रक्रिया होती, तो बच्चा हो सकता है कभी भी उस चीज़ को न सीखे। लेकिन जब हम उसको सिखाते हैं वहीं उसी स्थान पे ले जाके कि कुम्हार इन चीज़ों को कैसे बनाता है, कैसे मिट्टी को थापा जाता है, कैसे उसको आकार दिया जाता है, कैसे उसको पकाया जाता है, तो ये क्रियात्मक ज्ञान बच्चे को बहुत अच्छा और एक जो वास्तविक ज्ञान है उसको प्रदान करता है। इसी प्रकार से शिक्षक को कभी भी ज्ञान व्याहक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको सुविधादाता के रूप में भी होना चाहिए, यानी बच्चों को वो सुविधाएं प्रदान करे,
बच्चों को मनोरम स्थानों पर लेके जाए, वो अलग अलग प्रकार के सुविधाएं प्रदान करे बच्चों को, जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सकें, सिर्फ ये नहीं कि उसको ज्ञान की बातें संप्रेषण करके ही सिखाए, ये भी बच्चों को अच्छे से सीखने में सहायता करता है। संवाद और विचार विमर्श का माहौल पैदा करना भी बहुत आवश्यक है। कक्षा में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समुदाय में हो, क्योंकि परिवार में भी कई बार क्या होता है कि इस उम्र के बच्चे बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और अगर उनसे माता पिता संवाद नहीं करते हैं, अध्यापक संवाद नहीं करते हैं, विचार विमर्श नहीं करते हैं, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को वो सीख ना पाए। इसके अतिरिक्त छात्र का पर्यावरण के साथ तादात्म्यकरण भी करना चाहिए, उसको एसिमिलेट करना चाहिए, उसको उस माहौल को देखने के लिए उसके साथ कि बच्चा अनुभव कर सके। कई बार क्या होता है, हम बादल को दूर से देखते हैं लेकिन, या हम कंप्यूटर में देखते हैं या चित्र देखते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं कि बादल असली में क्या होता है। तो अगर अवसर मिले तो बच्चे को वो ऐसे पर्यावरण में ले जाना चाहिए जहाँ पे कि वो बादलों को महसूस कर सके, पेड़ों को छू सके, मिट्टी में दौड़ सके। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। बच्चों में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कराकर सिखाना चाहिए। हर चीज़ों को वो छू कर, देख कर, समझ कर जब करता है तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे प्रकार से सीख सकता है। इसके अतिरिक्त स्वअधिगम के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि बच्चा अपने आप सीखे। बच्चे को छोड़ दिया और बच्चा अपने आप चीज़ों को अधिगम करे, अपने आप सीखे। और इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि आप बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए बहुत फोर्स ना करें, बहुत उसको ये ना कहें कि तुम्हें ये करना ही है। बच्चे को छोड़ देने से वो स्वअधिगम की प्रक्रिया उसमें स्वतः होती जाती है, बच्चे में जिज्ञासा पैदा होती है। इसी प्रकार से अभ्यास और त्रुटि के द्वारा बच्चे को सिखाना चाहिए। कक्षा में बार बार इस तरह के प्रोजेक्ट कार्य बच्चे को देने चाहिए जो कि पर्यावरण के विषय में उनको ज्ञान दे सके, बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस अभ्यास और त्रुटि के द्वारा वो प्रोजेक्ट मेथड से या और भी अन्य विधियों के द्वारा चीज़ों को सीख सकते हैं। कोई भी ज्ञान उसको दिया जाए वो वास्तविक जीवन से संबंधित भी होना चाहिए। वास्तविक जीवन से संबंधित कैसे, कि जो क्योंकि हमें उसे पर्यावरण के विषय में ज्ञान देना है, पर्यावरण के विषय में उसको बताना है, तो इसलिए उसको प्रत्येक बात को, जो भी चीज़ें का वो ज्ञान या समझ चाहता है, वो वास्तविक जीवन से ज़रूर जुड़ा होना चाहिए। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते आपको ऐसे संबंधों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में बच्चे को जागरूक करना अति आवश्यक है, जिससे कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के अधिगम में प्रत्येक बच्चे की योग्यता की समझ को विकसित किया जा सके और उसकी कठिनाइयों को सरल कर सके। बालक जिस भी परिस्थिति में रहता है वो उसी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके से सोचता है और करता है और अनुभव करता है। उसकी सोच उसी प्रकार से बदलती रहती है। बालक जब परिवार में रहता है और धीरे धीरे जब वो परिवार में चीज़ों को सीखता है, समझता है और उसके मस्तिष्क में परिपक्वता आती है, तो ये सोच ही उसके जीवन की एक शैली बनती है और उसके जीवन में परिवर्तन लाती है। पर्यावरण अध्ययन मात्र एक विषय नहीं है, अपितु ये जीवन जीने की एक पद्धति है जिसके माध्यम से छात्र के भावी जीवन की तैयारी हेतु कौशलों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।